सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है नितेश, आप देख रहे हैं दिल्ली एक्सप्लोरर और आज मैं आया हूँ गुरुद्वारा रकाबगंज पे, जो कि है सिख धर्म के नौवे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित। तो जानेंगे इसके बारे में सब कुछ और देखेंगे पूरे गुरुद्वारे को। चलिए शुरू करते हैं। गुरु तेग बहादुर जी जो कि सिख धर्म के नौवे गुरु थे और उस समय 1675 में हिंदुओं की रक्षा करते हुए शहीद हुए। मुगल शासक औरंगजेब ने उन्होंने बंदी बना लिया था और बंदी बनाने के बाद उनको अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए बोला, लेकिन उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया, जिसके कारण औरंगजेब ने उनका सर कलम करने के आदेश दिए और जहाँ पर उनका सर कलम किया गया था उस जगह को आज गुरुद्वारा शीशगंज के नाम से जाना जाता है, जो कि दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित है। और औरंगजेब ने ये आदेश दिए थे कि कोई भी गुरु तेग बहादुर जी की बॉडी या सिर को कोई हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी का एक साथी थे लक्की शाह बंजारा, उन्होंने रात के अंधेरे में गुरु जी के शरीर को अपने घर पर ले गए और वहीं पर ही उनका अंतिम संस्कार किया, जिसको आज रकाबगंज गुरुद्वारे के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने कटे हुए शीश को आनंदपुर साहिब पंजाब में भी पहुँचाया, जिसका अंतिम संस्कार उनके बेटे ने किया, जिनका नाम गुरु गोविंद सिंह और उनको दसवें गुरु के रूप में भी जाना जाता है। जो गुरुद्वारा हमें आज यहाँ पे बना हुआ नज़र आ रहा है वो 1960 का बना हुआ है और एग्जैक्टली उसी जगह के ऊपर बनाया है जहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी का अंतिम संस्कार किया गया था। और यहीं पे ही मेन गुरुद्वारे के अंदर ही कुछ चीज़ें भी रखी हुई हैं जो गुरु गोविंद सिंह जी ने माता सुंदरी को दी थी 1708 में। गुरुद्वारा रकाबगंज दिल्ली के 10 ऐतिहासिक गुरुद्वारों में से एक है और ये कनॉट प्लेस में स्थित है। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो सबसे नीरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है वो केंद्रीय सचिवालय का है, जो कि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। दोस्तों, आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलना, शेयर करना ना भूलना। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। सत श्री अकाल।